पसंद नहीं। हाथ पकड़ इधर, हाथ रख, हाँ ये ले। प्याज ले, ले। छिलका उड़ जाता है फुर। जरा सा उंगली कटी, नदियां बहने लगी आंखन से, गंगा जमुना। ओए ओए चल चल। रिवाज की चक्की तो पीसन ही पड़े बहुरिया, पीसन ही पड़े। आइए ठाकुर साहब। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर साहब मैं जानता हूं आपकी फैमिली बहुत खुश है, आपकी बेटी होश में आ गई है। Even I am happy, but कहिए डॉक्टर साहब, अभी सहने की बहुत शक्ति रखते हैं हम, संकोच मत कीजिए। आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा है। ठाकुर साहब मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता, सच कहूं तो तपस्या की हालत अभी भी बहुत ही क्रिटिकल है। मेरी तपस्या ठीक हो जाएगी। ठाकुर साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वो तो होश में आ गई। उसे क्या हो सकता? इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी बेटी के साथ आगे कुछ हो इससे पहले आप सबको मिलने की इजाजत दे दूं। आगे कुछ? आगे कुछ क्या होगा डॉक्टर साहब? मेरी बेटी को क्या होगा डॉक्टर साहब? बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा। ठाकुर साहब देखिए मेडिकल साइंस में जो कुछ भी है हम सब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी
कर मुझे को। रेखा बेटा, आई मिस यू। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। मुझे माँ पापा अन्नी सबके पास वापस जाना है। ठीक, शांत हो जाओ, जाएंगे ना हम घर, बस थोड़े दिन की तो बात है। नहीं विष्णु, मुझे अभी घर जाना है और इसी वक्त जाना है। मेरी मेरी बात सुनो, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अभी जाना है? विष्णु, यहाँ पे सब कुछ बहुत अजीब सा है। मुझे मुझे सच में यहाँ पे और अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं रहना इस घर में। माँ पापा अन्नी सबके बहुत याद आ रही। तुम चल, मेरी बात तो सुनो। मिठी रहने दे विष्णु, सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं। वो मेरी घर यहाँ खुश नहीं। ले जा तू वापस बहू को। मैया, वो मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। माँ पापा सबकी बहुत याद आ रही थी। बहुत तकलीफ होती है ना हमारे साथ रहने। हम जंगली है, घर और जंगली। बेटा, ये घर बहू के लायक नहीं। ले चल तू उसको। सोचा था हम विष्णु की बहू आएगी, उनको बहुत प्यार देंगे हम, घर के रीति रिवाज सिखाएंगे। भूल गए थे कि शहर को लोगों को ही गांव की हवेली में घुटन होते हैं। बहुत तकलीफ दी हो, बहू से कुएं से पानी भराया, प्याज कटाया, आकर हम गांव के लोग शहर के लोग को खुश नहीं कर सके। उसे भूल हो गई। ले जा तू, ले जा बहू को, बड़े घर की दुल्हनिया को वापस ले जा शहर। नहीं मैया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती। आप सब लोग भी मेरा परिवार है, अपने हैं। मैं आपको दुख पहुंचा कर कहीं नहीं जाना चाहती। I'm sorry. Actually, घर की बहुत याद आ रही थी। इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहुत उपकार है। अरे हम देंगे तुक्का, माँ का प्यार। एक बिटिया, तू हमारे बिटवा की जिंदगी में खुशियां लाई है, तो तू तो हमारे लिए बिटिया से बढ़कर है। यही सोचकर अधिकार से सब रीति रिवाज सिखा रहे थे,
मुझे माफ कर देना मैया, गलती मेरी है, मेरी जज्बाती हो गई थी। था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तो मेरे परिवार की चिंता मत करो। तुम्हें घर जाना है तो हम आज ही जाएंगे। नहीं नहीं विष्णु, ऐसा मत सोचो। मैं किसी को दुख पहुंचाकर कुछ नहीं करना चाहती। इतने दिन रहे हैं, दो चार दिन और रुक जाएंगे। दो चार दिन क्या? अब तुम यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगी। मेरी मैया के हर आंसू की कीमत तुम्हें चुकानी है मीठी। वापस जाने की बात तो भूल ही जाओ। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि तप्पू को छोड़कर आ जाए। इच्छा मैं समझता हूँ, पर ठाकुर साहब का भी कहना सही, इलाज को 4-5 दिन और लग सकते हैं। कम से कम एक एक करके सबके सब घर तो होके आ सकते हैं। इच्छा तुम आराम करो, थकी हुई हो तुम। मैं बाबा को देखकर आता हूँ, इस सबसे उनका भी बीपी बढ़ गया। आराम कर। तपस्या अब तक मरी या नहीं? माई, बहुत पाप किए उसने, इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी उसे? कैसी बातें कर रही हैं आप माई? उस लड़के के बारे में आप बोल रही हैं जिसने जिसने मेरी और वीर की खातिर तेज सिंह से शादी की। बुंदेला परिवार को सतीश सिंह से बचाए, दत्ता जी की खूनी को सजा दिलवाए, और आप उसी की मौत की कामना कर रही हैं। हाँ, क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि हमारी बेटी की जिंदगी उसी तपस्या ने बर्बाद की, और उसकी वजह से हमने अपना एक बेटा खोया है। पर तुम भूल सकती हो क्योंकि तुम महान हो। अगर ऐसी बात है भाई, तो आपने भी बहुत कुछ किया है। नकली वंश आया इस घर में तो आपकी वजह से। मैं अपने बच्चों से दूर रही 18 साल सिर्फ आपकी वजह से। मेरी और युवराज के बीच में जो दूरियां पैदा हुई वो आपकी वजह से। और फिर 18 साल तक वीर की याददाश्त नहीं थी, वो भी आप की वजह से। लेकिन माई, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आपको माफ किया, कभी बद्दुआ नहीं थी। और आपसे आज यही विनती करती हूँ कि आप तप्पू को भी माफ कर दीजिए। मौत के दरवाजे पे खड़ी इंसान से कभी बहन नहीं करते, ये बात तो आप भी मानती होगी ना? बहुत बोलने लगी हो तुम आजकल। अच्छा वो दवा, लल्ला, हम पूछने आए थे कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं। तुम हाथ धो लो, हम खाना लगवाते हैं।
अच्छा तुम आराम करो, जब से तपस्या हॉस्पिटल गई है तुम जरा सी भी सोई नहीं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। नहीं फिर कुछ नहीं होगा मुझे, अपने भी आराम नहीं किया, थोड़ी देर लेट जाइए। अम्मू का फोन, हे भगवान। हाँ अम्मू, हम अभी आ रहे हैं अम्मू। क्या कहा उन्होंने? टप्पू को होश आ गया है भी। चलिए हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। इच्छा, इच्छा, इधर आओ बैठो तुम। क्या हुआ इच्छा? वीर मैं ठीक हूँ, हम चलते हैं टप्पू के पास। एक मिनट, ये लो पानी पियो। कैसा लग रहा है? आराम करो। देखो वहां पर सब कुछ ठीक है, तपस्या को होश आ गया है, सारे हैं उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन यहां तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। प्लीज आराम करो। कहाँ लेकर जा रहे हो? यहाँ पर आने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया, आज कुछ स्पेशल करूंगा तुम्हारे लिए। मैं खोलू? मैं खोल रहा हूँ। फोन ब्लिंक कर रहा है। नेटवर्क, फोन में नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्क है। विष्णु ने कहा था कभी कभी, लेकिन ये ब्लिंक क्यों हो रहा है? नेटवर्क होगा। अरे यार ये नेटवर्क भी ना, आई होप यहाँ पे नेटवर्क मिल जाए। शायद खुले आंगन में मिल सकता है। नेटवर्क वहां जाके देखती हूँ। नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा है? एक बार बस एक बार नेटवर्क मिल जाए, एक बार माँ रानी से बात कर लूँ।
कोई नेटवर्क ही नहीं है, ये आतिशगढ़ भी ना। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ इस कैश। छोड़ो मुझे, यहाँ बहुत खतरा है।